हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लेयर। आज हम यहाँ आए हैं एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के लिए, जो कि पत्थलगड़ी के नाम से है। तो पत्थलगड़ी एक आदिवासी द्वारा चलाया गया आंदोलन है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये आप फोटो देख सकते हैं, फोटो में ये आदिवासी खड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं। तो क्या है पत्थलगड़ी? पत्थलगड़ी के बारे में जानते हैं। तो पिछले कुछ महीनों से झारखंड व छत्तीसगढ़ के कुछ गांव के आदिवासियों ने अपने गांव में सरकारी कर्मचारियों व जो आदिवासी नहीं हैं उनके गांव में आने पर रोक लगा रखी है। गांव के बाहर हरे रंग के पत्थर लगा रखे, जिन पर संविधान के व पेशा एक्ट के प्रावधान लिखे हुए हैं। यह आंदोलन 2017 से झारखंड के गाँव से शुरू हुआ और अब लगभग ये 300 गाँव तक पहुँच चुका है। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के जो आदिवासी हैं, उन्होंने अपने गांव में सरकारी कर्मचारियों का आना बंद कर दिया है और अपने गांव के बाहर हरे रंग के पत्थर लगा दिए हैं, जिन पर संविधान के प्रावधान लिखे हुए हैं। तो गांव वालों ने इस तरह से पत्थर लगाए हुए बड़े, जिस पर आप देख सकते हैं संविधान, भारत का संविधान लिखा हुआ है, उसके कुछ प्रावधान लिखे हुए हैं। तो ये प्रथा आई कहाँ से, पत्थर लगाकर प्रोटेस्ट करने की? तो वहाँ के जो आदिवासी है, मुंडारी आदिवासी, वहाँ का एक रीति रिवाज है, परंपरा है, जब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी याद में एक पत्थर लगाया जाता है। तो उसी तरह उन्होंने ये तरीका अपनाया है और एक पत्थर लगवाया है अपने गांव के बाहर। तो जितने भी आदिवासी गांव है वहाँ सब जगह ये पत्थर लगे हुए हैं। तो ये आदिवासी केवल ग्राम सभा कानून मानते हैं, इसीलिए इन पत्थर पर लिखा हुआ है कि ये ग्राम सभा का कानून मानते हैं, यहाँ आने के लिए परमिशन की आवश्यकता है। आंदोलन के नेताओं ने गांव वालों को कानून बताने के लिए इस पर प्रावधान लिखे हुए पैसा एक्ट के, और जिनसे एक गांव के प्रशासनिक इकाई के रूप में सशक्त बनाया है। तो इन पत्थरों पर जो प्रावधान लिखे हुए हैं उनको गांव वालों को बताया जा रहा है कि हमारी प्रशासनिक इकाई हमारा गांव ही है, ना हम केंद्र सरकार के अधीन है ना राज्य सरकार के अधीन है। तो इसी से संबंधित आर्टिकल 13 के बारे में बात करते हैं, जो लॉ इन कॉन्स्टिट्यूएंट विद फंडामेंटल राइट्स हैं। तो भारत में संविधान लागू होने से पहले भी जो भी कानून लागू थे वह अगर संविधान के खिलाफ जा रहे हैं या मौलिक अधिकारों के खिलाफ जा रहे हैं तो वह कानून लागू नहीं होंगे। इसके माध्यम से संविधान संसद और राज्य विधानसभाओं को ऐसे कानून बनाने से रोकता है जो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन या हटा सके। इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। तो आर्टिकल 13 में बताता है कि अगर हमारे देश में संविधान लागू होने से पहले अगर कोई भी ऐसा कानून था जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वह लागू नहीं होगा, और यह संसद और विधान सभाओं को ऐसे कानून बनाने से रोकता है जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करें। तो हम आर्टिकल 13(3) के बारे में जानते हैं। देखें तो इस लेख में लिखा गया है कि कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपनियमन, नियम, विनियमन, अधिसूचना, प्रथा, जो भी पुराने रीति रिवाज व आदिवासी परंपराएं, ये सभी अगर मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं तो इन्हें भी नहीं माना जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि हो वह भी इसमें शामिल हैं। तो ये कह रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर किसी भी विधानमंडल या सक्षम प्राधिकारी, कोई भी सक्षम प्राधिकारी और आदिवासियों के अगर परंपरा रीति रिवाज है वो भी अगर संविधान का हनन करते हैं मौलिक अधिकारों का तो वह भी लागू नहीं होंगे। पर इसके संदर्भ में जो आदिवासी है, जो प्रोटेस्टर है, वो कहते हैं कि हम किसी के अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम यह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब आर्टिकल 19 पर आते हैं, जो कि फ्रीडम और राइट ऑफ टू फ्रीडम है। तो जिसमें आर्टिकल 19(1)(d) में कहा गया है कि भारत का नागरिक पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने कर सकता है, और आर्टिकल
19 ई में लिखा गया है कि भारत के किसी भी हिस्से में बस सकता है। तो आर्टिकल 19 हमें स्वतंत्र रूप से भारत में घूमने बसने का अधिकार देता है, पर ये कुछ क्षेत्रों पर ये लागू नहीं होता है। जैसे 1905 में लिखा गया है, भारत की राज्य सरकारें आदिवासियों के हितों के लिए सुरक्षा के लिए भारत में कहीं भी जाने में बसने के अधिकार को रोका जा सकता है। तो जैसे कि आर्टिकल 1900 में स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसी में आर्टिकल 1905 में अगर राज्य सरकार चाहे तो आदिवासी क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पर जाना प्रतिबंधित कर सकती है। तो इसके तहत वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आदिवासियों को लगता है कि हमें नुकसान पहुँचाया जा रहा है, इस कारण उन्होंने ये कदम उठाया है। तो अनुच्छेद 244 के बारे में बात करते हैं। तो भारत में दो अनुसूचियाँ हैं जिसमें आदिवासी क्षेत्र आते हैं, एक तो पांचवी अनुसूची और एक छठी अनुसूची। पांचवी अनुसूची के प्रावधान किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होते हैं। तो ये पांचवी सूची के राज्य आते हैं उनमें कानून लागू होंगे पांचवी अनुसूची के। तो वर्तमान में 2019 में पांचवी अनुसूची के 10 क्षेत्र हैं, जो कि आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। तो ये जितने भी आप नाम देख रहे हैं इनके सभी राज्यों के कुछ क्षेत्र आदिवासी हैं, यहाँ आदिवासियों की संख्या मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पांचवी अनुसूची के तहत ये राज्य हैं। और अब छठी अनुसूची के बारे में जानते हैं। तो छठी अनुसूची राज्य अनुसूची में ये राज्य आते हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ये पूरे राज्य ही अनुसूची में आते हैं, ये पूरे राज्य आदिवासी क्षेत्र में आते हैं। तो इसकी ट्रिक है याद करने के लिए, जैसे ATM स्क्वायर, A4 असम, T4 त्रिपुरा, M4 मेघालय और M4 आपस मिजोरम। तो ये पूरे राज्य ही अनुसूचित 6 में आते हैं, जिसमें आप यहाँ पर जाने के लिए आपको परमिशन की आवश्यकता होती है और सरकार इनमें बदलाव कर सकती है इनकी सुरक्षा के लिए। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पाते हैं, राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे मामलों पर सलाह देना जो राज्यपाल द्वारा उन्हें निर्देशित किए गए हैं। अगर किसी कानून में TAC चाहती है कि संशोधन हो तो गवर्नर को ऐसा करना पड़ेगा। तो इसका कार्य यह है कि बेसिकली अगर कोई भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार अगर कोई योजना लाती है, कोई स्कीम लाती है सभी राज्यों के लिए, तो वह सभी पर डायरेक्ट लागू हो जाएंगे। लेकिन जो भी आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर सबसे पहले उनको ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से बात करनी पड़ेगी राज्य सरकार को, और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ये चेक करेगी कि वह योजना है, जो भी स्कीम है, वह आदिवासियों के लिए अच्छी है या नहीं। अगर वह कानून, योजना, स्कीम आदिवासियों के अधिकारों का हनन करती है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, तो उसमें बदलाव लाने के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल गवर्नर को कह सकती है और गवर्नर को ऐसा करना पड़ता है। जिस सब पेशा एक्ट के बारे में जानते हैं, तो पंचायत राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा और मान्यता दी गई। इस संदर्भ में संसद द्वारा अधिसूचित क्षेत्र की पंचायतों के लिए पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार के लिए अधिनियम पेशा एक्ट 1956 अधिनियमित कर लागू किया गया है। पेशा एक्ट के जरिए पंचायतें प्लानिंग प्रणाली अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार किया गया। इस अधिनियम को प्रभावशील करने का मुख्य उद्देश्य संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की पंचायत राज संस्थाओं का सशक्तिकरण करना है। इस एक्ट के तहत राज्य के विधानों में ऐसे उपाय करना जो अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों और पंचायतों को शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करे जो उन्हें स्वायत्त शासन संस्थाओं के रूप में कार्य के लिए समर्थ बना सके हैं। तो इसमें लिखा गया है कि
इस संशोधन के बाद जो आदिवासी क्षेत्र की पंचायतें हैं, ग्राम सभाएं हैं, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा पावर मिल गई है ताकि वह अपने परंपराओं, अपने कल्चर को बचाने के लिए कुछ कर सकें। तो उसके तहत ग्राम सभा को ये पावर मिलती है कि ग्राम सभा वह अपने पुराने रीति रिवाज व पुराने मान्यता के अनुसार काम कर सकती हैं। तो वह अपने पुराने रीति रिवाज मान्यता के अनुसार काम कर सकती है। ग्राम सभा अपने क्षेत्र के सामान्य परंपरा, क्षेत्र की मान्यता, परंपरा, संस्कृति को बचाने के लिए कानून बना सकती हैं। तो ग्राम सभा को अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए उसके अनुसार कानून बना सकती हैं। पेशा के अन्य प्रावधान देखते हैं। राज्य की विधानसभा अगर कानून बनाती है तो उसे यह ध्यान रखना होगा कि यह कानून आदिवासियों के अनुरूप हो। और ग्राम सभा के पास नए प्रोजेक्ट प्रोग्राम को अनुमति देने का अधिकार होता है। ग्राम सभा के क्षेत्र वाले स्थानीय संस्थाओं को चलाने का अधिकार है। राज्य कोई योजना चलाता है, चलना चाहता है, तो उससे पहले ग्राम सभा से विचार विमर्श करना चाहिए। तो अगर कोई प्रोजेक्ट गांव में आ रहा है, आदिवासी क्षेत्र में आ रहा है राज्य सरकार द्वारा, तो पहले उसे ग्राम सभा द्वारा परमिशन लेनी पड़ेगी वहां पर लागू करने के लिए, क्योंकि ग्राम सभा को अधिकार है अपने क्षेत्र में सुरक्षित रखने के लिए और उनमें परंपरा बचाने के लिए चेंजेस करने का। आंदोलन की शुरुआत के बारे में बात करते हैं। झारखंड के खिलाफ तब से आंदोलन चल रहा है जब मुख्यमंत्री रघुबर दास के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने दो पुराने कानून बदलने चाहे, क्योंकि सरकार एक भूमि बैंक यानी लैंड बैंक बनाना चाहती थी जिसमें जमीन जमा हो, क्योंकि आदिवासियों से जमीन अधिग्रहित करना व्यावसायिक कंपनियों के लिए मुश्किल था। ऐसा करने से व्यवसायियों को जमीन सीधे सरकार से मिल सके। तो बेसिकली सरकार आदिवासियों से जमीन लेकर व्यवसायियों को आसानी से प्रोवाइड कराना चाहती थी ताकि व्यवसायियों को दिक्कत ना हो। तो ये दो कानून निम्न थे, जैसे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 वाला, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 वाला। ये दो पुराने कानून थे जिनको सरकार बदलना चाह रही थी। तो इस क्षेत्र में विकास देखते हैं किस तरह से। इस क्षेत्र में सरकार की योजना नहीं आ पाती है क्योंकि अगर कोई सरकारी कर्मचारी आ ही नहीं पाएगा तो वहाँ की जानकारी कैसे मिलेगी उस क्षेत्र की, कि कहाँ कितनी डेवलपमेंट की जरूरत है, कहाँ स्कूल बनाने हैं, कहाँ हॉस्पिटल बनवाने हैं। इसलिए वहाँ पर सरकार की योजना लागू नहीं हो पाती और वहाँ की भाषा मुंडारी भाषा में नहीं पढ़ाया जाता है, जिसके कारण वहाँ के लोकल में गुस्सा है कि हमारी लैंग्वेज धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी है। इस कारण से वहाँ विकास में बाधा आती है। तो सरकारी क्या प्रतिक्रिया देखते हैं। तो सरकार कहती है यह एक देश विरोधी आंदोलन है और इसमें नक्सलवादी साथ दे रहे हैं। तो सरकार का मामला एक कहती है कि तो नक्सलवादियों का काम है और अफीम की खेती के कारण हो रहा है। तो सरकार का विचार ये भी है कि ये अफीम की खेती के कारण कर रहे हैं, वहाँ गांव में इसलिए नहीं आने देते लोगों को कि वहाँ अफीम की खेती हो रही है जो कि इलीगल होती है, उसके लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है तभी आप कर सकते हैं अफीम की खेती। तो ये अफीम की खेती करके मुनाफा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि गांव में कोई आ ना पाए और ये अफीम की खेती आसानी से कर पाए। तो सरकार ने मार्च 2018 में इस आंदोलन के लीडर को गिरफ्तार किया है, तो जिसका नाम है विजय कुमार शिपिंग कॉरपोरेशन के मैनेजर व आदिवासी महासभा झारखंड के अध्यक्ष रह चुके हैं। और मई में दो जनों को गिरफ्तार करा है, हरमा किंडो जो कि भूतपूर्व आईएएस ऑफिसर हैं और जोसेफ टिंडा ये ओएनजीसी के एक्स एम्प्लॉय हैं। तो जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं वो व्यक्ति भी पढ़े लिखे हैं जिन्हें संविधान की समझ है, तो वो संविधान के दायरे में रहकर इस आंदोलन को चला रहे हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जो भी आपके इसमें विचार है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।